नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये वीडियो बिल्कुल असली है और ये मैंने ही शूट किया था इस वीडियो को। ये हुआ यूं कि 5 तारीख को ये बच्चा जो है इधर घूम रहा था, और घूमने के बाद इसके पता नहीं क्या मन में थी, वो छेड़ा खानी से कर रहा था या क्या कर रहा था पता नहीं। ये लोगों को बोल रहा था मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, लेकिन कोई सुनता नहीं था। तो ये इधर मेरी दुकान के आगे से गुजरा, तो मैंने इसको बोला कि भाई तू लोगों को बोलता है मास्क पहनो, लेकिन तूने तो खुद नहीं पहना, तो तू ऐसे कैसे करता है, तू खुद पहन। तो ये बच्चा तुरंत गया, और कहीं ना कहीं से पुराना कि कैसा भी था वो, कहाँ से उसने पैदा किया, वो मास्क लेके आ गया। और मास्क लेने के बाद उसने क्या किया कि वो मास्क चढ़ा लिया और एक साथ में प्लास्टिक का डंडा ले आया। ये विद इन 5 मिनट उसने ये एक्शन लिया और आके वो इस गली में खड़ा हो गया जो वो, और उसने हर किसी से जो है ओए तेरा मास्क कहाँ है, ओए तेरा मास्क कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ, और कुछ लोगों को उसने डंडे भी जमाए और बिल्कुल अग्रेसिव होकर उसने लोगों को जो है ये मास्क के लिए वो किया। लेकिन लोगों को कुछ ज़्यादा वो पड़ा नहीं, कुछ लोगों को ये लगा कि ये बच्चा है यूँ हंसी में बात कर रहा, लेकिन ये बच्चे का ऐसा एक वो था कि ये लगा रहा और इसने जितनी भी देर यहाँ पे रहा इसने लोगों को जो है एक टाइप से बिल्कुल वो की कि नहीं भाई मास्क पहनो और तेरा किधर है, क्यों नहीं पहनता है, ये इस तरह के सवाल ये उन पे दागता रहा लोगों पे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो पुलिस को करना चाहिए। एक आदमी यहाँ पे नहीं था और वो एक इतना सा बच्चा होते हुए भी जिसे शायद इसके बारे में उतना पता भी ना हो, और उसने इतना अच्छा काम किया कि हमें तो बहुत ही बढ़िया लगा। और मुझे लगा कि शायद जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो अगर नहीं भी पहनते होंगे मास्क को, तो वो कम से कम इससे तो मोटिवेट होंगे कि कुछ ना कुछ जो है हमें करना चाहिए जब बच्चा इतनी बात करता है तो।